राजनगर के तुमुंग गांव में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय धनंजय महतो का शहादत दिवस मनाया गया। वहीं स्वतंत्रता सेनानी धनंजय महतो के पुत्र निखिल चंद्र महतो ने कहा कि हमारे पिता हमेशा याद आएंगे, उनके अधूरे कार्य को पूरा करना हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस मौके पर आसू नेता चुनका मार्डी, स्वप्न कुमार सिंह देव, प्रकाश महतो, निखिल चंद्र महतो ने संयुक्त रूप से गरीब असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आसू नेता प्रकाश महतो, चुनका मार्डी, स्वप्न कुमार सिंह देव, समाज सेवी सुबोल महतो, आनंद साहू, मुखिया रघुनाथ मुर्मू एवं काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। मैं अपने वक्तव्य में कष्ट का हूँ और फिर दोहरा रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो उनका जो उद्देश्य था, जो एक स्वच्छ समाज हमारे इस झारखंड में, साधारण जो यहाँ पर जो पिछड़े ये लोग हैं जिनमें शिक्षा के वजह से भी ये लोग आगे बढ़े, और यहाँ का जो संस्कृति जो बहुत ही समृद्ध है, आपस में एक भाईचारा वाला, उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा उस पर अहमियत देते थे। उन्होंने कभी आदिवासी और नन्यादिवासी पर भेदाभाद नहीं किया था, क्योंकि हमारे झारखंड में वो सभी एक साथ रहते थे। आज जो इस तरह का समाज में फूट डालने वाला जो बहुत सारा जो काम किया जा रहा है, इसके पक्ष में वो कभी नहीं थे, और बराबर हमेशा वो अपने लास्ट ईयर तक उनका मेमोरी बहुत अच्छा था और बराबर इस पर सोचते रहते थे। और विभिन्न जो भी बोले ना, आप इससे पहले भी मैंने कहा, जो किसी भी पार्टी के नेता हो, उन लोगों से समाज में सुव्यवस्था लाने का उन्होंने बात की और सबको ही उनको रेस्पेक्ट करता था, लेकिन सामाजिक ये पर उनको उन्होंने बहुत ही, उनका एक ही विचार था, एक स्वच्छ समाज बने, समाज से कुरीति हटे और बाहरी जो समाज से जो यहाँ पर विकृतियाँ आ रही है उसको आप लोग कभी मत अडॉप्ट किए, इसके सबके लिए सबसे ज़्यादा। क्या नाम हुआ था आपका? मेरा नाम हुआ निखिल रंजन महतो, मैं उनका मझला लड़का हूँ और मैं भी बराबर उनके साथ समाज सेवा के कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जहाँ अभी वर्तमान में हम लोग रहते हैं, गुंडा ग्राम पंचायत के मुखिया भी रह चुका हूँ, लेकिन परिवार में जो भी हैं अभी भी सब समाज से जुड़े हैं। छोटा भाई विश्व रंजन महतो हैं। वो क्या कहना चाहिए? देखिए, बड़े दुख की बात है कि तुमुंग जैसा गांव में जो हमारे इस तरह के महान पुरुष का जन्म हुआ था, यहाँ के आदमी को भी उतना जानकारी नहीं, लेकिन आज जो इसका पहल किया जा रहा है और इनका स्मृति को बचाने के लिए इस महापुरुष के यादगार में, हमारा तो पहला प्रस्ताव है कम से कम धनंजय महतो के एक स्टैचू लगे और इनका आदर्श से प्रेरित होकर यहाँ के और दो चार धनंजय महतो बने, यही मेरा कल्पना है और आशा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबोल चंद्र महतो। क्या है आप? समाज सेवी हैं और इस तरह के कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि हम भी कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हुए हैं और समाज के लिए काम करते हैं। हमारा भी भागीदारी है समाज में, हम लोग भी कहीं ना कहीं समाज सेवा से जुड़े हैं और ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। स्वर्गीय धनंजय महतो जी हमारे रिश्ता में दादू भी लगते थे, हमारे घर के पूर्वज थे, और ऐसे आत्मा जो अपने पूरा जीवन ही संघर्ष रहा, अपने स्टूडेंट लाइफ से, अपने छात्र जीवन से ही उन्होंने आंदोलन का रूप पकड़ा और देश के स्वतंत्रता के लिए कूद पड़े और स्वतंत्रता सेनानी का भारत सरकार ने उनको मान्यता भी दिया था, राष्ट्रपति पुरस्कृत, पूर्व विधायक इचागर, बहुत सारा उपाधि उनके साथ था। ऐसे लोगों के साथ हमें भी अंतिम समय में लगभग 10 साल रहने का मौका मिला था और उनके जीवन के आदर्श को हम लोगों ने सीखा है और हम कोशिश करते हैं कि ऐसे ही आदर्श लेके हम समाज में आगे बढ़े और काम करें, इन्हीं सब विषयों को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या नाम है? प्रकाश कुमार महतो। हमारा इच्छा है कि आने वाला समय में हम इस गांव में उनके नाम की एक स्मृति चिन्ह, एक स्मारक स्थापित करें और इसमें हम कोशिश कर अपील करते हैं कि सारा समाज का लोग और पूरा देश का लोग ऐसे महान आत्मा के स्मारक स्थापित करने में हमारा सहयोग करें।